बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। One chai, please. बिल गेट्स दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना। ऐसा लगा आपको क्या अनुभव? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था ये फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा उन्होंने चाय पीने के बाद, क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डॉली की चाय। इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी बिल गेट ने विजिट पे हैं। एक डॉली चाय वाला है, उसके पास जाके जो है एक रील भी बनाई है, जिसमें वन कप चाय प्लीज जो है करके एक रील बनाई है। वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि भारत में आप हर जगह इनोवेशन पा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ग्लोबली रिकॉग्निशन बना रहे हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, इट्स ऑल माइंड ब्लोइंग। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को। कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ तो ना सही तरह की सड़कें हैं, ना कोई हमारे स्कूल हैं, ना कोई हमारी डिस्पेंसरीज हैं, ना कुछ है। इस साल हमने 24 बिलियन डॉलर्स देने हैं फॉरेन करेंसी में। उन्होंने बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, और इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूट बूट पहने बिल गेट्स टाई की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जाते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो कि सड़क पर खड़े होकर एक डॉली चाय वाला, जो कि बड़े मशहूर है, वो साहब भी बड़े मशहूर है इस सिलसिले में। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है, और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को, तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुनगाने शुरू कर दिए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए, हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रॉन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है वो सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था, और दोनों तरफ उनकी आवाम खड़ी थी और उनकी तारीफें कर रही थी। तो वो उनका स्टाइल जो है वो हर चीज में इनोवेटिव हो चुका है इंडिया का, ये अब कोई नई बात रही नहीं, हर चीज में वो ऐसा जो है वो करके दिखाते हैं। जनाब, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिल गेट्स है उन्होंने इसके अलावा और वहां पर कई ऐसी जो है वो प्लेसेस हैं जहां पर विजिट भी किया है, लेकिन उनका कहना ये था कि सिंस 1990s से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं, इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते, लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को। कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जॉइंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट यू नो ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन, और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया, वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज गुड एट वट एवर ही इज डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है, मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है, लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? और पैगाम दिया कि भाई देखो, हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को, मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी, आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने।
उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन, इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है, ठीक है जनाब। और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते और हम समझ जाएंगे ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायजा है, वो ये है कि बिल गेट्स जो है व्हाई ही डिसाइडेड टू गो टू द डॉली चाय वाला एंड व्हाई बिल गेट्स डजंट डिसाइड एंड व्हाई बिल गेट्स इज नॉट टेकन टू अ कॉमन मैन इन पाकिस्तान। गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन व्हाई वी कॉन्ट टेक बिल गेट्स बिकॉज वी हैव नथिंग टू सेलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दे हैव टू सेलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो उस वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है, इंडिया जो है इट्स ए डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहाँ पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मैथड्स रख रहा है, ठीक है, और हर बंदा आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, वट एवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज़ें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज नॉन फॉर इज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है और ये होता है ऐसे। पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये वो आ गया पीछे, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट का हिस्सा बन चुका है, विच इज़ गुड। मैं ऐसे नहीं कह रहा, आई वॉज इन लंडन इन नवम्बर लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि उस वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है कि जी सारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके चाय पीते हैं कि देखें जी। मैं भी वहाँ पे गया था, इट वाज गुड, चाय मज़ा आया और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी हैज़ एंड इंडिया हैज़ क्रिएटेड सो मच एंड इज ऑफरिंग सो मच। SIFC एक फ्रंट है असासे बेचने के लिए, मुल्क के असासे जो है वो बेचे जाएंगे, ये और बात है कि कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त इंटरनेशनल रेपुटेशन ऐसी है कि लोग हमारे असासे ख़रीदने को भी तैयार नहीं है, पाकिस्तान आना नहीं चाहता कोई। सही, आप अंदाज़ा लगाएं कि हम गैस ख़रीदना चाहते हैं, हम टेंडर फ्लोट करते हैं, कोई बिड नहीं करता। हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाकर हम खुद को बदल सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मगर सर जिस मुल्क में गैस अभी पिछले 2-3 महीने में 400% महंगी हो जाएगी, बिजली डबल से ट्रिपल हो जाएगी, तो सर हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मतलब कारखाने कैसे चलेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट का जो सेक्टर तो पिछले 20 साल से हमने उसको तबाह किया हुआ है, एक्सपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं है, तो इम्पोर्ट से चला रहे हैं मईशत को, और इम्पोर्ट्स बहुत फराग दिली से करते हैं चूँकि कर्ज़े आते रहे हैं।